हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं घर में आटा के लड्डू। ये हमारा आटा बन रहा है और ये हमने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं डालने के लिए इसमें। ये है हल्दी, काजू, ये कमरकस, ये है नारियल, और इसमें है छुआरे, मखाने, किशमिश, और डालेंगे हम सौंठ इसमें। और फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए आटे के लड्डू कैसे बनाते हैं। आप लोग खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो पे। हमारा आटा भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे घी। अब हम घी डालने के बाद घी गर्म हो जाएगा, उसमें हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना काट कर, वो भुनेंगे घी में। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, हम सारे ही घी में भून लेंगे। और ये है हमारा आटा जो हमने भून के रख लिया है। वो और फ्रेंड्स, ये है गोंद, जिसे हम गाद भी बोलते हैं। इसको पीस लिया है दरदरा, देख लीजिए। अब इसको हम घी में भूनेंगे और घी हमारा गरम हो चुका है। देख लीजिए, इसे घी में भून लेंगे। ये सिक जाएगी अच्छे से और इसी तरीके से हमें सारी गाद भून लेनी है। और फ्रेंड्स, हमारी गाद भुन चुकी है, अब मखाने भून लेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे मखाने भी भुन चुके हैं, घी पड़ गया था कम। अब मम्मी ने और घी डाल दिया इसमें। अब क्या भूनेंगे, किशमिश इसमें भी है, किशमिश मिक्स हो गई और वो प्लेट में भी है। डाल दो सारी गाद। फ्रेंड्स, किशमिश को भून लेंगे और किशमिश छुआरे क्या कर रहे हैं, तो कोई नहीं, वो नहीं कहते। अब ये फूलेंगे नहीं है ना, इनमें भी घी भरेगा। हे भगवान, और फ्रेंड्स देख लीजिए किशमिश किशमिश कैसी फूल गई हैं। मैं कह रही किशमिश फूल गई, ज़्यादा जल जाएंगी। कितनी फूली लग रही है ना। और ये गाद और मखाने, इन्हें मम्मी अच्छे से पीस लेंगी, बिल्कुल महीन कर लेंगी लड्डुओं में डालने के लिए। और ये भी निकालो, एक और डलिए, वो भी जल जाएगी। अब डाल दिए काजू, फुल कर लो नहीं।
नहीं गिरी, वो ऐसे नहीं गिरेगी। बुन चुके हैं, अब हम इसमें जो गरी काट के डली थी वो डाल देंगे। मेरी बिजली भी लौट रही है, जल्दी जल्दी में गरी डाल दी। ये फुल कर रहा है कि नहीं, ऐसे ही लो फ्लेम पर भुनेंगे। गंदी स्मेल आ रही है, तुमने पहले भी बनाई थी, मैं बड़े खुश हूँ, मैं तो खा लूँगी। एक इतने इतना नहीं खाया फिर मैंने। करी भी भुन गई, अब डालेंगे कमरकस उसमें भूनने के लिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लड्डुओं में। ये नहीं फूलेगा, डालूंगा ये इसी में डाल दिया ना। तो मैं किसे वो मैं भी क्या कर रही थी, तो ये मैं पास। अब हम हल्दी भून लेंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे, नहीं तो हल्दी की स्मेल आएगी। इधर भी चाशनी, हल्दी निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हमने पानी रख दिया है चाशनी बनाने के लिए लड्डुओं के लिए। अब गुड़ और शक्कर दोनों मिक्स करके डालेंगे चाशनी बनाने के लिए। फ्रेंड्स ये बन रही है चाशनी जिसमें गुड़ और शक्कर दोनों मिक्स हैं। गुड़ अच्छे से घुल जाएगा, फिर हम इसको उठा के ये जो आटा रखा है हमने भून के रख लिया है, ये सारे कुछ मिक्स कर देंगे, उसी में हम चाशनी डाल देंगे, फिर लड्डू बनाएंगे। देख लीजिए सारा आटा बड़े बर्तन में डाल दिया। अब हम इसमें सारा कुछ मिक्स कर देंगे। गरम आटा है, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स है जो भी भून के रखे थे वो भी डाल देंगे। इन्हें सब मिक्स कर देंगे। डाल देंगे इसमें ये मखाने, गोंद और कमर के जो भी सब मसाले थे ना वो सब डाल देंगे। अब इन्हें हम मिक्स करेंगे। कितना घी लगा है तुम में और सॉल्ट अभी। अब डालेंगे इसमें घी। घी को भी मिक्स कर लेंगे। इसी में तो थी सब कुछ, नहीं लग रही ना काम। अब कहाँ है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स हमने
ये ड्राई फ्रूट्स को घी में भुना था, आटा भी हमने घी में भुना था, अब हम ऊपर से इसमें घी और डालेंगे। इसमें सौंठ पीस के रख लिए बिल्कुल। अब इन्हें मिक्स करेंगे, इन्हें मिक्स करने के बाद फिर इसमें डालेंगे चाशनी। और फ्रेंड्स चाशनी बन चुकी है, अब इसमें चाशनी मिलाएंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। गीला तो नहीं होगा, हो जाएगा। फ्रेंड्स ये मिल चुका है, अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। अभी तो गर्म है, अभी तो बहुत गर्म है, अभी तो लड्डू नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप लोग भी अपने घर पर इसी तरीके से लड्डू बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये लड्डू बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इन्हें बड़े बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। देख लीजिए मम्मी बना रही है लड्डू, बनने लगे, ऐसे ही बनेंगे। ये देख लीजिए लड्डू बनने लगे हैं, गरम नहीं लग रहा। और इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। हमारे लड्डू बनकर हो चुके हैं तैयार, गोल मटोल, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो डाल सकें और आप लोग देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।